नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कोरोना से लड़ने के लिए आप अपने शरीर को कैसे तैयार करें। देखिए, किसी भी परिस्थिति में दो ही रास्ते होते हैं, एक फ्लाइट या फाइट। या तो आप डर कर भाग जाएं या आप लड़ाई लड़ें। डर कर भागना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या और हावी हो जाती है और ज़्यादा आपके ऊपर प्रभावी होती है। जब आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका को निभाते हो। उसके लिए आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो शरीर को हम कैसे तैयार करें आज इस कोरोना महामारी से बचने के लिए? यदि हम आयुर्वेद में जाते हैं, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक रख सकते हैं उसके बारे में भी ज्ञान देता है, और हम यदि बीमार हो जाएं तो कैसे स्वस्थ होंगे इस पर भी आयुर्वेद हमें ज्ञान देता है। तो आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखते हैं तो कोई भी संक्रमण जब शरीर में आता है तो सबसे पहले वो हमारे गले में इफ़ेक्ट डालता है। कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोरोना वायरस हो, जैसा आप सभी लोग देख ही रहे हैं, WHO के अनुसार भी, या जो बाहर के देशों से या हमारे देश से जो नई नई रिसर्च, रोज़ नई नई बातें आ रही हैं कोरोना पर, उसमें यही है कि सबसे पहले कोरोना आपके गले पर अटैक करता है। जैसे ही आपके गले में अटैक करता है, गले में यदि आपकी इम्यूनिटी, आपकी तैयारी शरीर की ठीक नहीं है, आप कमज़ोर हैं, तो कोरोना वायरस आपके गले से श्वसन तंत्र में ट्रेवल कर जाता है, आपके फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों की कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है। तो वायरस आपके फेफड़ों तक न पहुंचे, उसके लिए ईश्वर ने, पहले ही प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है कि जो भी वायरस श्वास के थ्रू, आपके आँखों के थ्रू, कान, मुंह, नाक, जिस भी माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होता है, एंटर होता है, तो पहले गला उसको रोक लेता है। अब गले में ऐसा क्या है जो वायरस को रोक लिया जाता है, बैक्टीरिया को रोक लिया जाता है? गले में हमारे ग्रंथियां हैं, दो छोटे छोटे नोड्स के रूप में ग्रंथियां हैं जिनको टॉन्सिल ग्रंथि कहते हैं। टॉन्सिल ग्लैंड ये जो है हमारी बॉडी में एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। जैसे बॉर्डर पर खड़ा हुआ सोल्जर किसी भी दुश्मन को देश की सीमा में घुसने नहीं देता, ऐसे ही हमारी जो टॉन्सिल ग्रंथियां हैं ये भी हमारे शरीर में किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को घुसने नहीं देती, अंदर जाने नहीं देती। उसके लिए टॉन्सिल ग्रंथियां कुछ ऐसे सिक्रेशंस करती हैं जो उस वायरस को गले में ही किल कर दिया जाता है और वो आगे ट्रेवल ना करें। अब टॉन्सिल ग्रंथि को हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे इनको फिट रख सकते हैं? क्योंकि यदि आपकी टॉन्सिल ग्रंथियां कमज़ोर हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर वायरस आपके गले से आगे ट्रेवल कर जाता है। 3 दिन तक लगभग वायरस आपके गले में रहता है, गले में दर्द शुरू हो जाता है, आपको कफ की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसको हम कैसे, इन ग्रंथियों को जो टॉन्सिल ग्लैंड है, इसको कैसे हम हेल्दी बनाएं? इसके लिए सबसे आवश्यक है अपने दोषों को संतुलन में रखें। दोष कौन से हैं आयुर्वेद के अनुसार? आयुर्वेद विज्ञान ही बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको देखिए छोटा ना समझें आप बिल्कुल भी। आयुर्वेद में 3 दोषों को बताया गया है, वात, पित्त और कफ। अब गले में जब भी कोई संक्रमण होता है तो कफ प्रकोपित होने लगता है, कफ बढ़ने लगता है। कफ के बढ़ने पर जैसे दोष असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर अपनी इम्यूनिटी को खो देता है और रोग शरीर पर अटैक करता है। अब कफ को हम बढ़ने से कैसे रोकें? जब जितने भी, सबसे पहले अगर हम बात करें आहार में, आहार को आप ठीक करें, जितने भी कफ वर्धक पदार्थ हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ दें कुछ समय के लिए, लगभग 1 वीक के लिए आप बिल्कुल त्याग दें। कफ वर्धक कौन कौन से पदार्थ? जितने भी तमाम जो भारी पदार्थ हैं जो देर से पचते हैं, जैसे मांस, अंडा, गोभी, भिंडी, अरबी, अगर हम सब्जियों की बात करें, दालों में उड़द की दाल, ब्रेड, बासी भोजन और मीठे पदार्थ, ये सब कफ वर्धक
पदार्थ हैं, इनको आप बिल्कुल छोड़ दें। दूसरा, कफ को संतुलित करने के लिए आप ऐसे कौन से पदार्थों को लें जो कफ नाशक हैं, जो कफ का आपके नाश करें। इसमें तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, ये सब आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हैं, तो इनका आप प्रयोग करेंगे। इनका कैसे प्रयोग करेंगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। फलों में आप मीठा अनार, खट्टा नहीं होना चाहिए अनार, मीठा अनार का प्रयोग करें। आप पपीते का प्रयोग करें, चीकू का प्रयोग करें, तो ये सब कफ को नाश करते हैं, कफ नाशक फल हैं। सेब और केला बिल्कुल ना खाएं आप, ये कफ को बढ़ाते हैं। गार्गल करें, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालें और उसके दिन में 5 से 7 बार गार्गल करें, जो जिसको संक्रमण हो चुका है। स्टीम लें, स्टीम में थोड़ा अजवाइन डालें और उसको लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक अच्छे प्रकार से मुंह से, नाक से, नाक से श्वास लेके मुंह से छोड़ें, मुंह से श्वास लेके नाक से छोड़ें, इस तरह से स्टीम लेते रहें और इसका भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता है। जितना भी कफ जम जाता है आपके गले में, जो ड्राई हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस में भी कफ ड्राई हो जाता है, तो वो सब निकल जाता है आपका इससे। देखिए, इसमें आप तीसरा क्या करें, नाक में, दोनों नाकों में षडबिंदु तेल का प्रयोग करें। षडबिंदु तेल आयुर्वेद का एक ऑयल है जो संक्रमण को भी नष्ट करता है, इन्फेक्शन को भी खत्म करता है और आपके जितना भी कफ का जो जमाव हो जाता है, म्यूकस जो जम जाता है, उसको भी बाहर निकाल देता है। और अगर षडबिंदु तेल आपको उपलब्ध नहीं है, वैसे तो मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर षडबिंदु नहीं है तो आप घर में सरसों के तेल, तो सबके घर में आपके होगा, तो सरसों का तेल भी इन्फेक्शन को नष्ट करता है। तो 3 से 4 बूंद दोनों नाकों में षडबिंदु सरसों के तेल की आप डाल लीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब अगर हम आगे बात करें कि आप जो औषधियों का मैंने आपको बताया, इनको कैसे प्रयोग करें, इसमें आप थोड़ा अदरक थोड़ी मात्रा में और लगभग 2 से 3 काली मिर्च, 5 पत्ते तुलसी के लें, थोड़ा सा आप दालचीनी, इसको बॉयल कर लें, लगभग 1 गिलास पानी में इसको बॉयल करके, जब ये उबल जाए, अच्छे से आधा रह जाए, काढ़ा बन जाए, इसको आप 2 बार करके पी लीजिए। तो ऐसे आप आधे गिलास को 2 बार में, लगभग 20 से 25 ml की एक डोज आपकी बन जाती है, इसको आप पी थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए। 2 बार में आप इसको पी लेंगे तो आप इसको ऐसा दिन में 4-5 बार 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 ऐसा पीते रहें। साथ में गर्म पानी का प्रयोग करें, गर्म पानी कफ नाशक होता है, आपका जो उतना भी बॉडी में जो कफ प्रकोपित हुआ है, कफ बढ़ा है, उसको निकाल देता है। देखिए, बेसिकली आपको अपने कफ को ठीक करना है, यदि आपने कफ को ठीक कर लिया तो आपकी बॉडी में कोई संक्रमण रह ही नहीं सकता। जो वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित जो संक्रमण है वो कफ के बढ़ने पर ही होता है, ये कफ जनित रोग होते हैं। तो आपको गर्म पानी का प्रयोग करते रहना है। साथ में जिसे संक्रमण हो गया, अब वो ध्यान से सुने इस बात को, जिसे संक्रमण हो चुका है वो क्या करे, वो अपनी डाइट में क्या करे। सबसे पहला, पहले दिन जैसे ही आपको लगता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आप अन्न को छोड़ दें, अन्न त्याग दें, लंघन करें। आयुर्वेद कहता है कि यदि कफ प्रकोपित है, कफ का वर्धन हो रहा है, तो लंघन कर दें। लंघन में आप जो कफ वर्धक चीजें हैं उनको छोड़कर कफनाशक चीज़ों का प्रयोग करना है। कैसे करना है, पहले दिन जैसे आपको संक्रमण हुआ तो पहले दिन आप जो है केवल लिक्विड डाइट पे आ जाएं, आप रोटी सब छोड़ दें, केवल लिक्विड डाइट, गर्म पानी पीते रहें, अनानास का जूस पिएं, मौसमी का जूस पिएं, ऑरेंज का जूस पिएं, लेकिन खट्टे नहीं होना चाहिए, नींबू पानी पीते रहें ना। नींबू खट्टा होते हुए भी ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन इसके जो खट्टापन है वो शरीर को नुकसान नहीं देता, नींबू की विशेषता है जो है। कई बार कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, तो जिनको सूट नहीं आता नींबू, वो नींबू का प्रयोग ना करें। तो पहले दिन आप लिक्विड डाइट, और लिक्विड कितना लेना है, जितना आपका वेट है उसको 10 से 10 से डिवाइड कर दें। अगर आपका वेट 80 kg है तो 10 से डिवाइड करके 8 लीटर आपको पानी पीना है दिन में,
और उतना ही आपको जूस पीना है। सब्जियों, फलों का जूस, सब्जियों का जूस, या आप नारियल पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से पहले दिन आपने, दूसरे दिन आप जूस और पानी पर रहें, और साथ में जो भुना हुआ चना, चना कच्चा नहीं खाना है, जो देसी चना उसको भिगा के नहीं खाना है, उसको भून के खाना है। भुना हुआ चना जो वो कफ का नाश करता है, तो जमा हुआ कफ आपका पिघल जाता है। बेसन का हलवे का आप प्रयोग कर सकते हैं, बेसन के हलवे में काली मिर्च डालकर आप ले सकते हैं तीसरे दिन जो है। तो पहले दिन लिक्विड डाइट लें, दूसरे दिन चने का चना खाएं, जब भी भूख लगे आप भुना हुआ चना खाते रहें, और बाकी लिक्विड आप लेते रहें, डाइट पानी लेते रहें, जूस लेते रहें। तीसरे दिन आप बेसन का हलवा, काली मिर्च इत्यादि उसमें डाल के आप उसको ले सकते हैं, भुना हुआ चना खाते रहें, और सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों में हरी सब्जियाँ, लौकी, तोरी, ये सब जो है कफ को नहीं बढ़ाती, ये सुपाच्य होती है। तो इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करें, और आप देखेंगे कि आप 3 से 5 दिन के अंदर ही कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना के खिलाफ आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ही इसका एकमात्र उपाय है इस संक्रमण को नष्ट करने का। आप वैक्सीन की यदि बात करें, तो वैक्सीन भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ मिलकर ही काम करती है। इम्यूनिटी ही उस वायरस को नष्ट करती है, कोई वैक्सीन उसे नष्ट नहीं करती। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, और अपने प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा, योग चिकित्सा, और जो आपके घरेलू उपाय हैं, उनको यदि आप अपनाते हो, तो आप कोरोना से इस लड़ाई में जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बिल्कुल डरे नहीं, निश्चिंत रहे, योग करें, तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोरोना के सिम्टम्स सेम वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स की भी बात करते हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद ने बहुत ही सफल रूप से जो है इस रोग के लिए कारगर हैं। तो आप इन उपचारों को अपना सकते हैं, साथ में जो भारत सरकार की जो गाइडेंस, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका आप पालन करते रहें, घर पर रहें, और अपने आहार को ठीक रखें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।